हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये नोटिस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि इग्नू में जो पीएचडी में एडमिशन होता है उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो वो अनाउंसमेंट फाइनली इग्नू की तरफ से कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं, वो लोग एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो पीएचडी ऑफर किया जा रहा है वो इन सभी प्रोग्राम में ऑफर किया जा रहा है। पहले बहुत सारे प्रोग्राम में ऑफर किया जाता था, लेकिन अभी उसमें से बहुत कमी कर दिया गया है और यही सभी प्रोग्राम में ऑफर किया जा रहा है। पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, ये सभी यहाँ पे देख लो जितने भी प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं। अगर इसमें अगर आपको पीएचडी करना है तो आप लोग एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि पीएचडी इग्नू में पीएचडी जो होता है वो रेगुलर मोड में होता है और आपको न्यू दिल्ली मैदान घड़ी में ही रह के करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई रीजनल सेंटर में पीएचडी नहीं होता है या आपके रीजन में नहीं होगा, ये न्यू दिल्ली मैदान घड़ी में ही होता है, हेडक्वार्टर में, और रेगुलर मोड में होता है, यानी कि आपको जाना पड़ेगा, क्लासेस करना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा। बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं इग्नू में वो सभी डिस्टेंस मोड में, ओडीएल मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं या ऑफर किए जाते हैं, लेकिन पीएचडी जो प्रोग्राम होता है वो रेगुलर मोड में ही ऑफर किया जाता है, आपको रेगुलर से ही करना पड़ेगा। सो जो भी स्टूडेंट इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं उनको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और उसके लिए आप लोग को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो और जो एंट्रेंस टेस्ट का डेट रखा गया है वो है 16 जनवरी। 16 जनवरी को ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इग्नू से पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन मास्टर डिग्री, ओके। नाउ जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट में आपका 50% मार्क्स आना चाहिए, जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% मार्क्स लाना होगा टू अपेयर इन द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बाद से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो सिंपल है, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसमें 50% मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, 45% मार्क्स लाना होगा अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद से मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा, उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 400 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ में जो सिलेबस है सिलेबस भी दे दिया गया है। जो सिलेबस है वो भी आप लोग को इसी पीडीएफ फाइल में ही मिल जाएगा। 27 नंबर पेज पे अगर आप लोग जाओगे तो देखो वहां पे 1x1 करके सभी प्रोग्राम का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद से पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद से पीएचडी इन केमिस्ट्री, इन सबका 1x1 करके सिलेबस दिया गया है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद से जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जिसके बारे में आप लोग को जानना है। हालांकि इस पूरे पीडीएफ फाइल को अगर आप लोग पढ़ने जाओगे तो काफी लंबा है, 143 पेज का है, जिसमें हर एक डिटेल दिया गया है, लेकिन मैं आप लोग को वही चीज बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब आप लोग खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा वो एमसीक्यू बेस पे होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू जिसके ऊपर सिलेक्शन होने वाला है उसका जो वेटेज है वो इस तरीके से है कि 70% जो आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है और 30% आपके इंटरव्यू के ऊपर, उसको बेस करके फिर जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। इग्नू से जो पीएचडी ऑफर किए जा रहे हैं वो 2 कैटेगरी में ऑफर किए जा रहे हैं, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी, लेकिन दोनों ही कैटेगरी में आप लोग को क्लासेस अटेंड करने होंगे, ठीक है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, मैक्सिमम 6 साल का है। पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मिनिमम आप 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा 2 साल का मौका और दिया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट 6 मंथ होगा, जितने भी स्टूडेंट पीएचडी करेंगे तो उसमें कोर्स वर्क भी इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए आपको न्यू दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, इग्नू का हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ेगा और क्लासेस अटेंड करने होंगे। जो भी कोर्स वर्क इन्वॉल्व है आप लोग के प्रोग्राम में उसके लिए आपको वहां पे क्लासेस अटेंड करने होंगे न्यू दिल्ली में, और वहां पे रह के क्लासेस करने होंगे, और 80% अटेंडेंस कंपलसरी है।
इग्नू की तरफ से कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटी अभी नहीं दी गई है स्टूडेंट को, तो आपको खुद से ही अपना अरेंजमेंट करना होगा। तो ये सभी है जनरल इंस्ट्रक्शन इग्नू से पीएचडी करने के लिए, ठीक है। जो इग्नू से पीएचडी करवाया जा रहा है वो यूजीसी से मान्यता है, ठीक है, तो इससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया में होगा, और जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो प्योर स्ट्रिक्टली मेरिट बेस पे होगा। सो जो भी स्टूडेंट इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है 23rd दिसंबर। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसमें मैंने आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि इग्नू ने पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है, उसका लास्ट डेट कब है, एडमिशन किस तरीके से लिया जाएगा, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में मैंने नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया। बाकी अगर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप लोग जो प्रोस्पेक्टस इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो आप लोग पढ़ सकते हो, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पीएचडी एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।